सीहोर के सेवा पखवाड़ा के तहत जिले की लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को सम्मानित करने और हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए शासकीय चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में जिला स्तरीय लाडली लक्ष्मी के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जिले का नाम रोशन करने वाली बालिकाओं और लाडली लक्ष्मियों को सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर प्रभारी मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की हैं। इन योजनाओं की वजह से आज प्रदेश की महिलाएं सशक्त बन रही हैं और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं प्रभारी मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाली बेटियां अब जन्म से ही लखपति बन रही हैं। जन्म से लेकर उनके लालन पालन, पढ़ाई और प्रसूति तक के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनेक योजनाएं चलाई हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लागू की है। इस योजना के तहत जब लाडली बेटी कॉलेज में प्रवेश लेती है तब उनके खाते में सरकार की ओर से 12,500 रुपए जमा कर दिए जाते हैं और अंतिम वर्ष में पहुंचने पर 12,500 रुपए उनके खाते में जमा कर दिए जाते हैं। श्रीमती विभाग आपको